नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसान यूनियन से आंदोलन को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जिन कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं वो उनके ही हित के लिए है और काफी सोच विचार करके सरकार ने बनाए हैं, इसलिए आंदोलन की जगह वार्ता के जरिए इसे हल करने का प्रयास करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल को दोनों सदनों में पास किया गया है और उस समय विपक्ष को भी इस बिल पर आपत्ति नहीं थी। साथ ही किसान आंदोलन में पोस्टर को लेकर के भी कृषि मंत्री ने सवाल उठाए हैं। दरअसल क्या MSP का इन कानूनों से कोई ताल्लुक नहीं और MSP के मामले में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर जनता को आश्वस्त किया है। सदन में बोलना वो एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब सरकार की नीयत को प्रदर्शित करता है और उससे ज़्यादा पावरफुल डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है सरकार की जबान का और कोई नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने फ्लोर पर भी आश्वस्त किया है, MSP चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। MSP को 1.5 गुना बढ़ाने का भी काम हमने किया है, खरीद को भी बढ़ाया है और इस बार देखेंगे तो 17% अधिक खरीद हुई है और पंजाब में तो 25% अधिक खरीद हुई है। तो MSP पर किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। ये फोल्डर छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग MSP की हो सकती है, किसान की मांग APMC की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड है, ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक्ट के बारे में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के आप विपक्षी नेताओं के भाषण सुनिए, एक्ट के किसी प्रावधान पर किसी ने भाषण दिया ही नहीं, किसी ने विचार व्यक्त किया ही नहीं, पॉलिटिकल भाषण दे दे रहे। और इसलिए मैं बार बार किसान यूनियन के लोगों को कहता हूं कि पॉलिटिकल भाषण जैसे हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए, हमको क्लॉज बाय क्लॉज विचार करना चाहिए और हम लोगों ने जो उनकी बात को सुना उस पर से जो हमको लगा उसके कारण हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भी दे दिया। सरकार खुले मन से आगे चर्चा के लिए भी तैयार है और जो आपकी आपत्तियां उन पर भी विचार करने के लिए तैयार है और हम प्रस्ताव एडवांस में दे चुके हैं। अब किसान यूनियन को विचार करके किसानों के हित में क्या है वो सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं आशावान हूँ, लगातार हम किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं और मुझे आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और जरूर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से समस्या का हल। कृषि मंत्री ने किसानों से फिर बातचीत करने की अपील की है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े अगली रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर हुई किसान संगठनों की बैठक में 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को होने वाले प्रदर्शन का खाका तैयार किया गया। 12 और 14 के लिए सब उसके बारे में सारी चर्चा हुई है, 12 का प्रोग्राम और 14 का प्रोग्राम, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आप वो T3 बॉर्डर की बात करते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो अलग है। जयपुर रोड बंद करने के लिए 14 नो DC ऑफिस के सामने ओते तरने होंगे और BJP के लीडर से करांगे तरने होंगे और रिलायंस के जो अदारे ने उन्होंने का टोल प्लाजा बंद कराना पड़ेगा। टोल प्लाजा जी MLA MP के ग्राफ जड़े कर नहीं अभी
और जिस तरह से किसानों और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है उसे लेकर अभी समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों का किसी का बहिष्कार करना या विशेष तौर पर करना किसी की रणनीति है, हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी जिसमें ये तय हो जाएगा कि किसानों के असली हितैषी कौन है। देखिए, जो किसानों की मांग है भाई MSP गारंटी, वो किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि वो जो ये नए 3 कानून हैं ये किसानों के हित के नहीं हैं। अब मैंने शुरू में कहा था 14 अगस्त को मेरा ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा था, मगर ये 3 कानून लागू करें तो चौथा कानून भी बना के लाए सरकार कि MSP से कोई भी कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट आए, किसान को MSP से ऊपर भाव मिले, ठीक है, लेकिन जो MSP से कम खरीदेगा उसकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने ही जो है दूसरा कोरोना काल में ये अपना वाटर कैनन इस्तेमाल करी, जो पानी का वो किया, कितने तकलीफ हुई उनको, टीयर गैस किया और पिपली में लाठी चार्ज की, किसानों की बात सुनने की तैयारी नहीं सरकार। और आज भी MSP होते हुए भी मंडियों में MSP का भाव पूरा नहीं मिल रहा, किसान को पूरी खरीद नहीं हो रही। तो ये BJP JJP सरकार एक ही सरकार है, दोनों है, लेकिन ये एक है कि वो ये ज़रूर कहते हैं भाई वोट किसी की सपोर्ट किसी को, तो ये सामने आ गई तेरा बेनकाब हो गया। इसी वास्ते नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हम लेके आएंगे उस टाइम पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ है कौन। ऐसा नहीं जो दो विधायक साथ छोड़ गए, उनका समर्थन छोड़ गए, तो किसानों की उस बात ले गए। और मैं भी कह रहा हूँ भाई किसान का जो है हम उसकी मांगों के साथ खड़े हैं और सरकार को मानने तो बुलाते नहीं, क्योंकि वो गैर राजनीतिक है, हमारा समर्थन है, बाकी समर्थन में जा रहे हैं और सभी जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन में विपक्षी दल कूद गए हैं। पलवल में कई दिनों से मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के प्रदर्शन में महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कंडू भी पहुंच चुके हैं और धरने का समर्थन किया। कंडू ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। किसानों का धरना नेशनल हाईवे 19 पर अटूहा चौक पर चल रहा है जिसकी वजह से KGP और KMP एक्सप्रेसवे और शहर भर में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार अभी भी समझ नहीं पा रही किसानों के आंदोलन को, उनको लगता है कि हरियाणा और पंजाब तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है, देश का पूरा किसान जाग उठा है और जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही किसान का और तेज़ी से वो आक्रामकता से किसान सामने आएगा और फिर सब प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए खड़ा निर्माण हो सकता है। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है मोदी जी से। मैं 1200 किलोमीटर टू व्हीलर चलकर आया हूँ, टू व्हीलर से महाराष्ट्र से, तो किसान के लिए बिल आप लाते हो तो फिर किसान की अनुमति क्यों नहीं ली जाती? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसके लिए तो आप तो बिल अदानी और अम्बानी के हिसाब से आते लाते होंगे और फिर आपको कोई दिक्कत जाती होंगी तो बात अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिन लोगों के लिए आप बिल लाते हो तो उनको तो पूछताछ होना जरूरी है, उनकी तो राय लेना जरूरी है। वो अगर उस बिल को विरोध करते हैं तो फिर इसमें अर्थ क्या है? इतनी सीधी बात है, वह अगर मोदी जी समझ नहीं पाते तो फिर कैसा होगा? वो तो बोलते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, पहले तो ऐसा भी नारा दिया था मर जवान मर किसान, ऐसे आज तक कांग्रेस ने इस तरह से चलाया है, मैं जय जवान और जय किसान करूँगा, तो यही है। और किसानों के आंदोलन के चलते फरीदाबाद में पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर दी है। किसानों द्वारा हाईवे को 12 दिसंबर को टोल फ्री करने की चेतावनी के बाद फरीदाबाद से किसान बदरपुर बॉर्डर ना पहुंच सके इसका पुलिस ने पहले ही इंतजाम किया हुआ है।
किसानों के आंदोलन को लेकर जगह जगह फरीदाबाद में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और खासतौर से हाईवे पर नाकेबंदी कई जगह की गई है और ऐसे ही फरीदाबाद की सीमा में किसान ना आए, चूंकि केएमपी पलवल में काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो चुके हैं और एक वहां लंबा जाम रोजाना देखने को मिल रहा है, तो इसी के चलते फरीदाबाद की स्थिति ना बिगड़े उससे पहले झाड़सैतली में नाकेबंदी कर दी गई है और बाकायदा पुलिस यहाँ तैनात। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किसान किसी भी तरह से बदरपुर बॉर्डर दिल्ली की तरफ ना कूच करें, इस बात को लेकर तमाम गाड़ियों की आप साफ तौर से यहाँ चेकिंग देख सकते हैं, पुलिस की तैनाती यहाँ देख सकते हैं। और इससे अलग मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए किस तरह से हाईवे पर झाड़सैतली गांव के पास में बैरिकेटिंग की गई है। साफ तौर से यहाँ ना केवल बैरिकेटिंग की गई है, इसके साथ साथ में कुछ ट्रकों को यहाँ खड़ा करवा लिया गया है ताकि अगर ऐसी स्थिति बने तो इन ट्रकों को खड़ा करके गाड़ियों को रोका जाए। और ये सीमेंट के ब्लॉक आप देखिए किस तरह से कई लेयर की सुरक्षा हाईवे पर इस तरह से बनाई गई है ताकि किसान पूरी तरह से यहाँ से ना निकल सके, उनको यहीं रोक दिया जाए। और ना केवल एक तरफ बल्कि दोनों तरफ अगर देखिए, मैं जाली के दूसरी तरफ की आपको दिखाऊं तस्वीरें तो आप साफ तौर से वहाँ भी देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में पुलिस बल को खड़ा किया गया है ताकि किसी भी रॉन्ग साइड से भी अगर किसान निकलना चाहें तो उससे पहले उनको रोक दिया जाए। और जगह जगह ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं ये इस बात का सबूत है पुलिस की तरफ से कि पूरी तरह से मुस्तैदी हाईवे पर पुलिस की 24 घंटे निगरानी, और वजह सिर्फ इसके पीछे ये कि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली बॉर्डर ना पहुँच सकें, चूँकि ये आगरा हाईवे है और यहाँ से मध्य प्रदेश ना केवल राजस्थान और यूपी के किसान भी इस हाईवे से निकल सकते हैं। और बदरपुर बॉर्डर पर जिस तरह से किसान नेताओं की तरफ से आंदोलन को उग्र करने की बात कही जा रही है और 12 तारीख को टोल फ्री करने तक की बात कही गई है, तो ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी सूरत में किसान बदरपुर बॉर्डर की तरफ ना पहुंच सकें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। दिल्ली की सर्द रातें और खुले आसमान के नीचे 16 दिन से किसानों का धरना जारी है। एक तरफ सरकार किसानों को खुले मन से बातचीत का ऑफर दे रही है तो दूसरी ओर किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। ऐसे में सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के लुधियाना से आया महिलाओं का ग्रुप चर्चा का विषय बना हुआ है। ये महिलाएं माता गंगा खालसा कॉलेज से आई हैं, ये सभी किसान परिवार से जुड़ी हुई हैं और तमाम चुनौतियों के बीच किसान आंदोलन को धार दे रही हैं। आज 16वां दिन है जहां पे सिंगू बॉर्डर पे किसान प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच किसान लगातार हरियाणा पंजाब राजस्थान क्षेत्र से लगातार जुड़ रहे हैं और इस प्रदर्शन में महिला और बच्चे भी मौजूद हैं। एक तो उनकी जंग सरकार के साथ है, दूसरी जंग ये है कि उनको ठंड के साथ भी जूझना पड़ रहा है और क्योंकि हाईवे पे ये प्रदर्शन चल रहा है तो डेली जो काम है जैसे कपड़े धोना, वॉशरूम, हाइजीन, इन सब की भी परेशानी होती है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, जो लुधियाना पंजाब से आई हुई हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कब से वो आई हैं और कब से प्रदर्शन में जुड़ी हुई हैं। मैम सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं हूँ डॉक्टर कुलदीप कौर धालीवाल। मैम ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और कब यहाँ पे आपने प्रदर्शन में जुड़े हैं आप? हम माता गंगा खालसा कॉलेज मंजी साहब कोटा का स्टाफ है, मैं वहाँ की प्रिंसिपल हूँ और कल रात से हम जहाँ पे आए हुए हैं और दो तीन रोज़ वहाँ पे रहेंगे अपने किसान भ्राओं, अपने किसान माताओं, अपने किसान बच्चों के साथ। हम खूब एंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई ठंड नहीं लग रही, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम सेवा भी कर रहे हैं। हम तो बस सरकार को दिखाने आए हैं कि अपनी जिद छोड़ दो प्लीज़। जिद के आगे तो सारे जो लोक शक्ति है ना, जन शक्ति है, उसके आगे तो बड़े बड़े सैलाब नहीं ठहरते, ठीक है? तो हट है जड़ी वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना वो लोगों के लिए होती है, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था ना कि डेमोक्रेसी किसके लिए है? लोगों के लिए। कौन बनाता है? लोग। किसके लिए बनती है? लोगों के लिए। तो फिर हम हट क्यों करें? किसान नहीं चाहते कि आप हमारा भला करो, बहुत सालों से हमारा भला नहीं हुआ। किसान सड़कों पे रोलते हैं, उनको वाजिब कीमत नहीं मिलती, खुदकशी कर रहे हैं, लगातार खुदकशी कर रहे हैं, कर्जे के बोझ थले दब रहे हैं, पर उन्होंने तो कभी मांग नहीं ना की कि हमें कोई ऐसा ऑर्डिनेंस दो कि हमारा भला करो। जब किसान नहीं चाहते तो फिर क्यों करना चाहती है गवर्नमेंट भला? ऐसे ऑर्डिनेंस किसानों को नहीं चाहिए। हम एजुकेशनल वर्क, मैं एक कॉलेज से हूँ, कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, जो मेरे कॉलेज का स्टाफ है और मेरे कॉलेज के बच्चे भी आना चाहते थे, बच्चे भी आएंगे, तो मैं तो कहूँगी कि अकेले थल्ले से जान में मंजिल की तरफ
लोग चलते रहे और काफिला बनता गया। सो एक काफिला है, एक काफिला जीत के घर मुड़ेगा। हम वहाँ पे जाते हैं तो दो बार जो सवेरे और शाम अरदास करते हैं तो इन बच्चों के लिए अरदास करते हैं कि इनको फतेह नसीब हो, क्योंकि हमारे गुरु है जिन्हें उन्होंने हमें चढ़दी कला का जड़ी छाण है, जाग है जड़ी वो लगाई हुई। हम चढ़दी कला में कोई बात नहीं है, जो वॉशरूम नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, जैसे भी है वैसे भी काट लेते हैं। यही तो जिंदगी है। मैम आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम सरबजीत कौर है, मैं लाइब्रेरी में काम करती हूँ। हमारा तो संदेशा ये है सभी बहन भाइयों को कि आज हम ये बता देंगे सबको कि भारतीय हैं जो पंजाबी है, शहीद भगत सिंह की तरह, तो गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों की तरह, तो गुरु तेग बहादुर जी की साडे दादा जी जिन्होंने इत्थे कुरबानी दिती, तो असी सारे उन्हां दी तरह ही एकजुट होवांगे तो एकता दिखावांगे। जिवें हुण सानू लगदा ही नहीं कि असी दिल्ली दे विच आए हां, सानू इस तरह लगदा कि असी सारा साडा पंजाब आ, सारे साडे भाई ने, क्योंकि उन्होंने औरतों को भी इन्नी रिस्पैक्ट दी आ, जबकि दिल्ली च औरतों को कदे इन्नी रिस्पैक्ट नहीं मिली। सत श्री अकाल जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिला का ग्रुप है जो कि लुधियाना कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनके प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और सब फिलहाल जो है वो सब्जियाँ काट रहे हैं। मैम आपसे पूछना चाहूँगा आपका नाम क्या है? बलजीत कौर। मैम ये बताइए कि आप अभी सब्जी काट रहे, कितने लोगों का खाना आज बना रहे हैं आप, कितने किसान भाई को आज खिला रहे हैं? सर ये तो गिनती नहीं है खाने की, कितने लोगों का बना रहे हैं, अनगिनत लोग खाना खा रहे हैं यहाँ से। ये गुरु का लंगर है, अटूट व्रत है, जितने मर्जी लोग आके यहाँ लंगर छक सकते हैं। हाँ जी। तो आज आप खाने में आज क्या बन रहा है? खाने में पकौड़े बन रहे हैं सर, चाय के साथ। चाय और पकौड़े? हाँ जी, चाय और पकौड़े बन रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाय और पकौड़े बनाने की तैयारी चल रही है और जो महिलाओं का ग्रुप है जो कि लुधियाना के कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके प्रिंसिपल और उनके स्टाफ हैं और वो किसान प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं आज सिंगू बॉर्डर में और यहाँ पे तीन चार दिन वो यहाँ पे सेवा करेंगे और प्रदर्शन में जुड़ेंगे। और उनका ये कहना है कि जो चैलेंजेस होते हैं क्योंकि ये हाईवे, ठंड है, वॉशरूम की दिक्कत है, बट जो इंग्लिश में कहावत है when there is a will there is a way, तो यही उनका कहना है कि जब तक हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होगी, सरकार हमारी बातें सुनेंगी। और यही नहीं, इनके जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आके प्रदर्शन में जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष दास के साथ सभ्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। कैथल के कलायत हलके में किसान आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। हलका राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी भाजपा किसानों को खुश करने और कृषि कानूनों के विषय में समझाने में असमर्थ रही है। ताजा घटनाक्रम में किसानों को खुला समर्थन देते हुए खंड के कुल 29 सरपंचों में से 14 सरपंचों ने सरपंच संगठन प्रधान करमवीर कोलेखा समेत पद से त्याग पत्र दे दिया है। जनप्रतिनिधि गहन मंत्रणा के बाद उपमंडल कार्यालय में पहुंचे, यहां एसडीएम कार्यालय अधीक्षक सावित्री देवी के माध्यम से त्याग पत्र सौंपे। आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रही, लेकिन आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी सेवाएं जारी रखी गई। और अब बात निगम चुनाव की। निगम चुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। पंचकुला, सोनीपत, अंबाला, हर जगह पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन बात अंबाला की करें तो इस बार अंबाला की सभी 20 सीटों पर हरियाणा जन चेतना पार्टी उतर रही है, जिसने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी लोगों की समस्याओं को लेकर के जनता के सामने जा रही है और लोग भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पर भरोसा जताने की बात कर रहे हैं। सुनिए अंबाला वार्ड नंबर 1 लोगों की समस्याएं क्या हैं और इस बार निगम चुनाव में उनका रुख किधर होगा। बाड़मेर जी, इतना
पहला गलियां नहीं थी, जो गलियां शर्मा जी ने बनाई सब पहला बहुत गंद था, और जो भी शर्मा जी के टाइम काम होया तभी गया, उसके बाद बहुत काम होया नहीं है उनका, और जो भी जितने काम कर शर्मा जी ने अच्छे किए वो वैसे किसी ने नहीं किए। अब भी नालियों की पानी की भी है, और जो फिरने लाइटों की स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, ठीक है इसकी समस्या जी। बाकी जो नालियों में गंद पड़ा साफ सफाई नहीं होती है, ऐसे जो कोरोना में जो कोरोना महामारी आई है शर्मा जी ने हमारे बाड़ों में गांव-गांव में बहुत साथ दिया, सैनिटाइजर करवाया ट्रैक्टरों मशीनों से, घर घर सैनिटाइजर बंडिया, बीमारी में उन्हें साथ दिया, कोरोना से भी बच के रहे, कोई बीमारी ना आए, इस करके और किसी ने कोई साथ नहीं दिया। सर समस्याएं हमारे वार्ड में जैसे स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है बहुत, यहाँ रात को अंधेरा रहता है, जैसे आवारा पशु हैं तो लोगों का बहुत उसमें एक्सीडेंट भी होता है, रोड पे दिखता है नहीं कुछ। तो इसके अलावा गलियां नालियां हमने देखा हीरानगर में, और इधर पीछे शालीमार में एरिया है जहाँ आज तक 70 साल से कोई सड़क नहीं बनी, वहाँ गए थे हम, बहुत बुरा हाल है वहाँ, सड़क कोई आज तक किसी ने नहीं बनाई सड़क वहाँ। अभी नगर निगम में आपके वार्ड में फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।